हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद चिप लेवल मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ISO 9001 टू 2015। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हमारे पास एक स्टूडेंट है, आपका नाम बताओ। अनिल कुमार। अच्छा अनिल कुमार, अभी आप क्या कर रहे हैं, जरा एक बार डिटेल्स में बताना क्या कर रहे हैं आप। Y2 है शायद, बताओ, दिखाओ जरा बोर्ड, बताना। हाँ, Y2 है, नहीं है? हाँ ठीक है। अच्छा ये Y2 में क्या इशू है आपके फोन में? ये फोन में डेड है जी। डेड क्या है इसमें? क्या खराब है? MMC बना रहा है, पोर्ट बना रहा है। MMC आपने चेक किया, UFI बॉक्स में MMC डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो अभी यहाँ पे आप क्या करने वाले? MMC क्या करने वाले? आप इसका चेंज करने वाले? चेंज करने वाले। तो अभी यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या किए MMC लेने में? ठीक है, सबसे पहले तो हमने एक MMC लिया था जी, जो कि एक सॉफ्टवेयर के जरिए से कॉम्पेटिबल देखकर, है ना जी। उसके बाद फिर आपने क्या किया, यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग किया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे UFI में हमने एक प्रोग्रामिंग किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक MMC में हमने यहाँ पे कॉम्पेटिबल लिया हुआ है, और इसकी क्या क्लीन किया भाई हमने यहाँ पे, सब बताओ। RPMB की जो इसकी क्यों हमें क्लीन करना होता है, जब MMC हमें चेंज करने के लिए करना होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने किया है। उसके बाद इसमें कौन सा रोम डाले भाई? अभी सबसे पहले हमने इंजीनियरिंग वाला, क्या इंजीनियरिंग रोम डाले, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग रोम डाला हुआ है। अब यहाँ पे हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड में फिक्स करेंगे और ऑन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा MMC निकालेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं BGA 221 का है, और इसको रिवॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले, इसके बाद हम इसको फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले इसको रिवॉल्व करो, करते करते और बीच में थोड़ा सा रह गया। ठीक है, अभी कौन सी MMC लगा रहे, जो हमने चेंज वाली थी ना, जो पुरानी थी जो ख़राब थी वो यहाँ पे है। अब देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे जो SK Hynix का MMC था, अब देख सकते हैं SK Hynix यहाँ पे नाम है, जो कि ये MMC डेड थी। अब हम यहाँ पे एक सैमसंग का MMC लगा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सैमसंग का MMC लगा रहे हैं हम लोग, जो कि हमने कॉम्पिटिबल टूल से हमने देख के लिया हुआ है, और इसको
चाइनीज रूम डाल के, ENG रूम डाल के हम इसमें फिक्स कर रहे हैं और इसको ऑन करेंगे हम चाइनीज रूम में। तो सबसे पहले अच्छे से इसको बाउंड्री, जो बाउंड्री होती है उसके अंदर हम इसको ठीक से लगाएंगे और उसको फिर हीट करके फिक्स करेंगे। जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर 340 या 350 के अंदर हम इसको 340 में लगा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। चलो ठीक है, लग गया इसी। थोड़ा सा बोर्ड को थोड़ा सा कूल करेंगे, थोड़ा सा उसको, क्योंकि हीटेड बोर्ड पे हम डायरेक्टली चेक करेंगे तो उसका थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा CPU में, तो इसलिए थोड़ा सा उसको थोड़ा ठंडा करेंगे, थोड़ा फूक लो। ठीक है, लगाओ इसमें। चार्जिंग लगा के देखो एक बार। चार्जिंग फिर ले रहा है, नहीं ले रहा था कोई केबल, दूसरी केबल ले लो। ठीक है, ये केबल पे लगाओ। एक बार बैटरी निकालो, चार्ज खाली बैटरी निकालो, बैटरी लगाना। बैटरी लगाओ, चार्जर ठीक से एक बार कनेक्टर लगाना उसका। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जिंग लगाएंगे और देखेंगे सबसे पहले हमारा लोगो आता है या नहीं आता है। एक बार देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग का एम्पियर कुछ ले रहा है, 1.8 ले रहा है और थोड़ा चार्जिंग डाउन होने की वजह से। एक बार बैटरी निकाल के लगाना खाली। ठीक है, लगा लो। फिर भाग गया सर। ठीक है, बिना बैटरी का लगाओ एक बार, MI लोगो आ जाता है। ठीक है, MI लोगो आ गया, इनके लिए जोरदार क्लैप्स। बैटरी लगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे MI लोगो आ गया और इसके बाद देखेंगे सेकंड लोगो हमारा एंड्रॉइड लिख के आ गया, जो कि हमारा कौन से रूम में चालू हो रहा है भाई? ENG रूम, चाइनीज रूम, जो हमारा इंजीनियरिंग रूम होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा ऑन हो गया चाइनीज रूम में, देख सकते हैं आप यहाँ पे सारा। ऐसा अगर MI के अंदर ऐसा कोई फंक्शन आता है क्या कभी नॉर्मल फाइल में? तो ये हम किस लिए डाल रहे हैं भाई, बताना जरा प्रोसेस। ये इसके बाद क्या प्रोसेस करने वाले हम? इसको प्लस करेंगे सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी इसमें राइट करेंगे, उसके बाद नॉर्मल फाइल डाल के क्या करेंगे, इसको ऑन कर लेंगे। ठीक है,
तो इसके बाद हम सिक्योरिटी रिपेयर करेंगे, इसके बाद सिक्योरिटी रिपेयर करने के बाद उसका नॉर्मल फाइल डाल के बनाएंगे, ठीक है। तो उसके आगे का हम वीडियो बताएंगे, पॉज कर, चलो स्टार्ट। तो जैसे कि यहाँ पे हमने सबसे पहले इंजीनियरिंग रूम डाला हुआ था, अब यहाँ पे सिक्योरिटी राइट भी हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। जो नॉर्मल फ्लैश फाइल है उसको क्या कर रहे हैं हम, उससे फ्लैश कर रहे हैं। वो फाइल को हमने क्या बनाया अभी, स्पेशल स्पेशल फाइल। आपको आता है किसको बनाना आता है भाई स्पेशल फाइल बनाने, बताओ। सारे समझ में आ गया स्पेशल फाइल कैसे बनाना है, इजी ट्रिक है एमएमसी को। नॉर्मल फाइल से चेंजिंग फाइल बनाना कितना इजी है ना। तो आप लोग ने यहाँ पे बना के देख लिया लाइव, अब यहाँ पे वो फाइल को राइट करना है। तो कौन से टूल से राइट कर रहे हैं भाई आप, यूएमटी से राइट कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले कौन सा टूल ओपन करेंगे हम, क्यूसी फायर का टूल ओपन करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्लैशर में जाके रो प्रोग्राम फाइल डालेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे टिक लगाए और यहाँ पे हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि डेस्कटॉप पे हमारी फाइल रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे देखना है Y2 का फाइल कहाँ रखा हुआ है अपने डेस्कटॉप पे। Y2 का कोड क्या है, YSL है ना, तो यहाँ पे YSL नाम से आएगा ना। देखो YSL कहाँ लिखे है, एकदम लास्ट में आ गया, ये आपके सामने YSL आ गया, ठीक है। ओपन कर लो, उसके बाद ये रो प्रोग्राम, ठीक है, ओके कर लेना। चलो ठीक है, यहाँ पे हमने फाइल को सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, फ्लैश कैसे कनेक्ट करेंगे, किस मोड में करेंगे, कौन से मोड में, ईडीएल मोड में। कॉलकॉम है तो हमारा ईडीएल मोड में, ठीक है। तो आपको अगर टेस्ट पॉइंट नहीं पता है तो क्या करेंगे हम, गूगल पे जाके सर्च करेंगे, यूट्यूब नहीं, हाँ Y2, रेडमी Y2 डालना, ठीक है। जैसे कि फ्रेशर्स है, फ्रेशर्स को पता नहीं होता है कि इसका टेस्ट पॉइंट कहाँ है, जो ऑलरेडी काम करे उनको पता हो जाता है। एक बार जब टेस्ट पॉइंट देख लेता है उसको हमेशा के लिए याद रहता है, ठीक है। अब ये फ्रेशर है, इसके लिए इन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हाँ, रेडमी Y2 ईडीएल मोड। तो यहाँ पे इमेजेस में जाएंगे आप, उसके बाद देखना कोई एक फोटो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिन बता रहा है, यहाँ पे ये दो पॉइंट को टच करना है, ठीक है। तो आप ये दो पॉइंट को टच करेंगे और ईडीएल मोड में कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लैश बटन पे क्लिक करना, जैसे हम यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे वेटिंग पे आ जाता है ईडीएल मोड पे, ठीक है। बैटरी निकाल लेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे फोन को हम कनेक्ट कर लेंगे। पहले तो केबल लगा लेंगे क्योंकि लगाने में कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, और वहां से हम पीसी में कनेक्ट लेंगे। यहाँ पे टच करो, आपने देख लिया ईडीएल मोड कौन सा है, ठीक है। ऊपर के दो पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फोन कनेक्ट हो गया, जैसे कि इनके लिए जोरदार क्लैप एक बार। तो फ्लैशिंग अभी यहाँ पे हमारा नॉर्मल फाइल जो हमने स्पेशल फाइल बनाए थे, अब वो हमारा यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे आप बताना, ये आप पहले से करते थे काम, नहीं सर पहले से नहीं करते थे, तो यह पहले से नहीं करते थे, लेकिन अब ये कर सकते हैं आप, सकते। ये कहाँ पे कैसे पॉसिबल हुआ, कहाँ आने के बाद हुआ, ये फोन फिक्स हैदराबाद आने के बाद ये पॉसिबल हुआ, अब यहाँ आने के बाद सीखे। तो अब सीखने में आपको कैसा लग रहा है, मतलब कोई हार्ड कुछ मुश्किल लग गया था सीखने में, अभी सॉफ्टवेयर में आप इजीली कर सकते हैं कोई भी, जी जी कर सकते। अभी तो हमारा एमएमसी का क्लास चल रहा है, एमएमसी चेंज का क्लास चल रहा है, आज का जो एमएमसी चेंज क्लास है, आज जो सुबह से आपको बताया तो इजी लगा या हार्ड लगा एमएमसी चेंज करने में, इजी लगा। बहुत सारे लोग को लगता था कि एमएमसी चेंज करने में बहुत हार्ड जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एमएमसी कहाँ से लेना है आपको बता दिए, कौन से टूल से लेना है, कितना जीबी से कितना जीबी तक एक्सटेंड कर सकते हैं आप। अगर किसी का कम है 216 है तो 464 करके देना है, 128 भी करके देख सकते हैं, अगर ज्यादा अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट कर रहा है तो। आपको करना आता है ना, जी सर। सभी को बताओ भाई, किसको किसको करना आता है, यहाँ पे सभी कर सकते हैं। किसी को अगर स्टोरेज बढ़ा के देना है, कहाँ से लेना है स्टोरेज आईसी, सब कर सकते हैं ना भाई, हाँ। तो अभी यहाँ पे देखेंगे, वेट करेंगे हम थोड़ा फ्लैशिंग डन होने तक। तो आप बताना, तो आपको यहाँ पे अभी कैसा, सेटिस्फाइड है या नहीं है,
जाने के बाद यहाँ से करेंगे नहीं करेंगे? कर लेंगे सर। कर लेंगे जी सर। सारा काम ईमीएमसी बॉक्स वगैरह लेके ये सब बहुत सारे स्टूडेंट क्या है यहाँ से सीख के जाते हैं, हर जगह से सीखते हैं, लेकिन जाने के बाद बॉक्स टाइम पे नहीं लेते, एक दो महीना छह महीने के बाद लेते हैं। इसके बाद क्या होगा भाई, आप भूल जाएंगे काम करना? नहीं सर, बॉक्स है मेरे पास, उसका भाई करता है, मैं नहीं करता था, लेकिन अब मैं भी कर सकता हूँ। फिर भी देखो मेरा सपोर्ट आपको कब तक है, कब तक है मेरा सपोर्ट? लाइफ टाइम। अगर आप लेट भी लेते हैं बॉक्स एक महीने के बाद, दो महीने के बाद, अगर भूल भी जाए तब भी मैं क्या करूंगा आपको? टीम व्यूअर पे आके, ऑनलाइन आके आपको फिर से आपको समझाऊंगा। अगर आप भूल गए कि सर हमने टाइम पे बॉक्स नहीं लिए, दो महीना तीन महीना लग गया, हमें पैसा नहीं था हमारे पास, ठीक है, तब भी मैं आपको क्या करूंगा भाई? ऐसा तो नहीं है कि भाई आप भूल जाएंगे तो हम लोग सपोर्ट नहीं करने वाले, आपको लाइफ टाइम तक हमारा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे डन हो गया, फ्लैशिंग डन हो गया। एक बार चार्जिंग लगा के, एक बार केबल निकालना और एक बार बैटरी लगा के देख लो, ठीक है। बैटरी लगाओ और चार्जिंग लगा लो। थोड़ा चार्जिंग डाउन है तो ठीक है। हाँ आ गया है, मैं लोगों लगाना बैटरी ज़रा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लोगो आ गया हमारा। जब हमारा सेकंड लोगो आ जाता है तो क्या हो जाता है, फोन ऑन हो जाता है, ठीक है। रुको सेकंड लोगो आने दो, पहले सबसे पहले, ठीक है। सेकंड लोगो MIUI आ गया मेरा, देखा देख सकते हैं आप, ठीक है, ऑन हो गया। तो वेट करेंगे अब इसको पूरा ऑन होने तक, ठीक है। तो कितना इजी लगा बताना जरा सब लोग ऑन करने में? बहुत इजी है सर, बहुत इजी है। थोड़ा चार्जिंग डाउन है, ठीक है, फिर भी ऑन हो रहा है, वेट रिस्टार्ट तो नहीं हुआ। तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है ऑन होने के लिए, मिनिमम कितना टाइम लगता है? 5 मिनट्स तो लगता ही है। ये फर्स्ट टाइम जब फ्लैश होता है या फॉर्मेट होता है या FRP रिमूव होता है या MIMC चेंज हो रहा है तो फर्स्ट टाइम बूटिंग में 5 मिनट्स आपको वेट करना है, ठीक है। जब इसके बाद हमारा वेलकम स्क्रीन आएगा उसके बाद हम नेक्स्ट करके पूरा ऑन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा वेलकम स्क्रीन आ गया, देख सकते हैं, ठीक है, ऑन करना उसको, नेक्स्ट करना, ठीक है, इंडिया, ठीक है, नेक्स्ट करना, ठीक है, ऑन हो रहा है। हाँ यहाँ पे डॉट है ना, ठीक है, बैक करना। हाँ ठीक है, ठीक है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां फिर से, ठीक है।
ठीक है इजी ट्रिक एकदम जी सर, कर सकते हैं अभी जी सर। चलो ठीक है, थैंक यू।